हेलो साथियों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामोरी पर साथियों आज हम बात करेंगे यूपी एडवोकेट जनरल ऑफिस एग्जाम डेट के बारे में तो सबसे पहली बात तो ये कि आप सब इस वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करिए क्योंकि देखिए अगर आपको लगता है कि वीडियो स्लो है तो आप इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं उसके बाद जब तक आप वीडियो को पूरा वॉच नहीं करोगे आप जो कुछ भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो चीज़ आप पूरी तरीके से समझ नहीं पाओगे इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा उसके बाद ही आपको जो लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ओके चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देखिए पिछले वीडियो मैंने आप सबको बताया था कि एक बच्चे ने आर फाइल करी थी और उसका जो रिप्लाई आया था तो उसमें यह था कि नहीं ये जो वैकेंसी है ये जो रिक्रूटमेंट है वो कैंसिल हो चुकी है और इसका एग्ज़ाम अब नहीं होगा और जो आपके पैसे हैं वो आपको रिफंड कर दिए जाएंगे तो इस चीज़ को लेके आप सबने कॉमेंट में बताया था कि नहीं ये चीज़ एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ है अभी इसका एग्ज़ाम होगा ये वो फलाना डिमकाना जो भी है ठीक है मुझे भी पर्सनली ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एग्ज़ाम ऐसे ही कैंसिल कर दिया जाएगा क्योंकि आप सबको पता है कि कोई भी चीज़ होता है एक प्रोसेस के थ्रू होता है तो जैसे अगर इनको एग्ज़ाम कैंसिल करना होगा तो इन्हें इनको एक पर्टिकुलर नोटिस प्रोवाइड कर करनी चाहिए चाहे वो इनके अपनी वेबसाइट पे या फिर इनको अपनी जो ऑफिस है वहाँ पे इनको नोटिस चस्पा करना चाहिए हालांकि इन्होंने ऑनलाइन आवेदन मांगा था इसलिए नियमता तो ये है कि इनको वेबसाइट पे ही ये नोटिस डालनी चाहिए कि आपका किसी भी रीजन से एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है तो ना ही इन्होंने वेबसाइट पर डाला है और ना इन्होंने मतलब जो इनका ऑफिस है वहाँ पर शायद चस्पा ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया है तो अगर कैंसिल होता तो इनको ये काम करना चाहिए था शायद जो इन्होंने ऐसा काम नहीं किया तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं है तो मुझे खुद ही पर्सनली ऐसा नहीं लग रहा था कि ये एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हुआ है लेकिन जो आर का रिप्लाई था मैं उस हिसाब से आप सबको बता रहा था तो इसके बाद मैं ऑफिस गया इस चीज़ को वेरीफ़ाई करने के लिए वहाँ के जो कर्मचारी लोग हैं उनसे मैंने बात करने की कोशिश करी हालाँकि जो आ, अधिकारी लोग थे आ, उन्होंने इस इस बारे में कुछ भी कहने से मना कर दिया और उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम मैंने कर्मचारियों से बात की वहाँ के तो उसमें दो मतलब टाइप के लोग मुझे मिले मतलब दो तबका मिला एक तबका ये कह रहा था कि ये जो एग्ज़ाम है वो वो कैंसिल हो चुका है और ये एग्ज़ाम नहीं होगा क्योंकि आ, वहाँ पे जो पुराने कर्मचारी थे जो एडहॉक बेसिस पे थे उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया था शायद कोई केस वेस भी उन्होंने फाइल वाइल किया है वो अलग मैटर है तो और दूसरा जो तबका था वो ये बता रहा था कि ये एग्ज़ाम होगा लेकिन अभी इसका कोई फिक्स नहीं है कि कब होगा कब नहीं होगा ये चीज़ अभी फिक्स नहीं है लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ये एग्ज़ाम होगा और एक चीज़ उन्होंने ये भी कही कि हो सकता है कि नए नए आवेदन दोबारा मतलब मांगे जाएँ पुराने जो हैं वो तो रहेंगे ही और हो सकता है कि नए आवेदन भी मांगे जाएँ ऐसा ऐसा कुछ उन्होंने बताया तो भाई जो उन्होंने बताया वो मैं आपको चीजों वो चीज़ बता रहा हूँ अब इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूँ मुझे जहाँ लगता है कि अपनी अपनी तरफ से मैं सिर्फ सजेशन देता हूँ अपनी तरफ से जो कि आप सबने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एपीएस पी एस हो या आर ओ आर एग्ज़ाम्स में आपने देखा होगा मैंने कहा था एपीएस वाले अगर एग्ज़ाम की बात करें तो मैंने उसमें कहा था सब लोग कह रहे थे कि इसमें सारे बच्चों का आ, स्किल टेस्ट कराया जाएगा मैंने वहाँ पे हर एक वीडियो में साफ स्पष्ट शब्दों में कहा था कि नहीं आपकी पर्टिकुलर एक लिस्ट आएगी उसके बाद उन्हीं बच्चों का सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा और वैसा ही हुआ मैंने ए पी एस की जो कटाफ बताई थी एक सौ सत्तर सेम कटाव आपकी गई है एक सौ पैंसठ गई है जनरल की मैंने एक सौ सत्तर बताई थी अब जाके आप मेरा वीडियो चेक कर सकते हैं तो मैं जहाँ पे मेरा जो लगता है कि मुझे जो मेरा थोड़ा बहुत अनुभव है उस हिसाब से मैं आप सबको वहाँ पे चीज़ें स्पष्ट बताता हूँ तो अब ये जो तबका है वो ये दो बात उन्होंने कहा अब इसमें से आपको जो लगे क्योंकि अभी भी क्योंकि मैं किसी निर्णय पर नहीं पहुँच सकता कि ये आपका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा क्योंकि ये दोनों बात दो अलग अलग लोग कह रहे हैं तो मैं किसका विश्वास करूँ और बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो मुझे ऐसा कह रहे हैं कि मतलब ये एग्ज़ाम होगा और कुछ फैक्ट भी हैं जो ऐसा पेश कर रहे हैं कि नहीं एग्जाम नहीं भी होगा तो मैं अभी इस निर्णय पे नहीं पहुंच पा रहा हूं क्योंकि मेरा भाई सीधा मानना है कि अगर आपको एग्ज़ाम कैंसिल करना है तो आपको सीधे एक नोटिस आपको देनी ही पड़ेगी आप चाहे कोई भी आयोग हों आप कोई भी रिक्रूटमेंट से लो आपको एक नोटिस पर्टिकुलर प्रोवाइड करनी ही चाहिए होती है क्योंकि तो आप अगर आप कैंसिल करेंगे तो आप किस माध्यम से बताएंगे बच्चों की चुपचाप अपने मन से अपने डिपार्टमेंट के अंदर ही कैंसिल थोड़ी ना कर देंगे भाई आप सबको अगर आपने किसी से पैसे लिए हैं पब्लिकली आपने रिक्रूटमेंट निकाला है तो आपको पब्लिकली उस चीज़ को नोटिस भी देना पड़ेगा कि नहीं हमने इस चीज़ को कैंसिल किया है तो अभी तो मैं इस पर कोई निर्णय नहीं ले सकता अभी समय का थोड़ा इंतज़ार करिए और भी मैं कोशिश करूंगा जानने की अगर कोई पर्टिकुलर स्पष्ट जानकारी मिलती है कोई अंदरूनी जानकारी मिलती है जो इसके बारे में क्लैरिफाई कर सके तो मैं आपको ज़रूर वहाँ पर सूचित करूँगा वीडियो अगर आप पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को भी लाइक करिएगा अगर आप नए हैं तो चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार सत श्रीकाल